से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टरों के साथ बढ़ रहे दुर्व्यवहार के मामले, दिल्ली में प्रदर्शन 6 को भारत पाक में मुख्य सट्टा करते पकड़ा। कलेक्टर कार्यालय के सामने परिवार का धरना, नगर परिषद की व्यवस्था से खफा है फैमिली। शिमला से जीत कर आए खिलाड़ी SP यादव फांसी ने किया स्वागत। समाचार विस्तार से। IMA के प्रतिनिधि 6 जून को दिल्ली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि सरकार डॉक्टरों के हितों की अनदेखी कर रही है, ऐसे में डॉक्टरों का काम बोझिल होने लगा है। IMA के प्रतिनिधियों ने सोमवार को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मिलने के बाद IMA के प्रतिनिधियों ने स्काई चैनल से बातचीत की। अध्यक्ष डॉक्टर BD गुप्ता ने कहा कि डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी नीतियों के कारण डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसे में डॉक्टरी पेशे को अंजाम देना मुश्किल हो रहा है। प्रतिनिधियों में डॉक्टर OP बेनीवाल, डॉक्टर BK चावला, डॉक्टर कपूरी लाल गर्ग, डॉक्टर MS माकड़ और डॉक्टर MP शर्मा आदि शामिल थे। 6 जून को IMA की हड़ताल के बाबत आज हम जिलाधीश महोदय के पास में आए थे और हम उसकी जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आंदोलन है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और हम जो ये जो हमारी मांगे दी हैं कि भाई डॉक्टरों के ऊपर जो दुर्व्यवहार हो रहा है डेली, जो क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं और जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाइयों के विरोध के अंदर, और जो एग्ज़ाम हमारे ऊपर एक नया डिग्री लेने के बाद भी एग्ज़ाम थोपा गया है, क्या एग्ज़ाम और करेंगे आप जी, PCP इंडिया एक्ट की छोटी छोटी कमियाँ हैं उनके बारे में हम सब इसके बारे में विरोध दर्ज करवाने के लिए आज मेरे सभी साथियों के साथ में मैं यहाँ पे जिलाधीश महोदय के साथ में ज्ञापन देने के लिए आए थे और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और इसके समर्थन में हम 5 या 6 साथी हमारे दिल्ली भी जा रहे हैं जो उस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच हो और शहर में बुक्की सट्टे का संचालन न हो, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? लिहाजा जंक्शन पुलिस ने हासुमो कॉलोनी में एक मकान में छापा मारा और बुक्की सट्टा करते राजू थुड़िया को पकड़ा है। राजू थुड़िया नामक यह युवक वर्षों से बुक्की सट्टा करता है। कम समय में अधिक पैसे कमाने के लालच ने इसे इस धंधे तक पहुंचाया, लेकिन कहते हैं लालच बुरी बला। प्रशिक्षु RPS ममता सरस्वत को मुखबिर से सूचना मिली तो वे स्टाफ के साथ हाउसिंग बोर्ड पहुंची, राजू थुड़िया को रंगे हाथों पकड़ा। ताकि हाई वोल्टेज मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो संभावनाएं सारी थी कि सट्टा और बुकी लगेंगी, तो इस सिलसिले में सुबह से ही हम लोग इसमें प्रयासरत थे कि कोई कार्रवाई करें हम लोग। तो मुखबिर के माध्यम से पता चला कि हाउसिंग बोर्ड के अंदर राजू कुलार नाम का व्यक्ति अपने घर के अंदर बुकी लगा संचालित कर रहा है। फिर हम लोगों ने उसके घर में दबिश दी तो वहाँ पर वो बुकी लगा रहा था, 1,08,000 रुपये और एक LED और लैपटॉप और मोबाइल उससे बरामद किया और 3/4 RPG एक्ट के अंदर उसके अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की। नगर परिषद के कामकाज पर सवाल उठाते हुए एक परिवार कलेक्टर के सामने धरने पर बैठा है। नई गुंजा के दमित गहलोत और सुरेंद्र कौर आदि ने कहा कि नगर परिषद कर्मियों की मिलीभगत से कुछ पट्टे गलत बनाए गए, जब तक उन्हें खारिज नहीं किया जाता आंदोलन जारी रहेगा। नई गुंजा का यह परिवार प्रचंड गर्मी में धरने पर बैठा है। दरअसल ये लोग नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मिलीभगत कर गलत पट्टे बनवाने का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि सब कुछ गलत हुआ लेकिन नगर परिषद गलती सुधारने के लिए तैयार नहीं। नौ से चल रही है और नगर परिषद कोई सुनवाई नहीं करती है। बार बार कलेक्टर साहब को भी लेटर दिए हैं, SDM साहब को भी कहा गया है, नगर परिषद में कहते हैं तो कोई सुनता नहीं है। लेटर देने के बाद भी वो इग्नोर कर देते हैं। बीकानेर से फ़ोन करवाए हैं, उन्होंने भी आदेश दिए हैं, तो भी ये सुनवाई नहीं करते हैं और आखिर मजबूर होके हमें ये धरने पे बैठना पड़ता है। नहीं, क्या मांग है आपकी, किस लिए आप धरने पे बैठे हो? हमारे ये फर्जी पट्टे बने हुए हैं 3, सोनलाल जी गहलोत और आशा देवी और प्रेम गहलोत, इन 3 ने फर्जी पट्टे बनाए हुए हैं और उन्होंने दुकानें भी जो बना रखी हैं वो भी फर्जी है और नगर परिषद से उन्होंने परमिशन नहीं ली। उनके पटों की जांच की जाए तो उसमें सब फर्जीवाड़ा है, इसलिए बैठे हैं। नगर परिषद बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही है और पूरी भ्रष्टाचार चल रहा है नगर परिषद में। फर्जी पट्टे जारी किए 91 के, जिसकी शिकायत हमने बार बार की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर साहब को भी हमने 10 बार लेटर लिख चुके हैं, आज 8 साल से
कागजों में फाइलों में कागज चल रहे हैं, करीब 70 से 80 लेटर नगर परिषद हनुमानगढ़ और जिला कलेक्टर साहब और अतिरिक्त संभागीय बीकानेर को हम दे चुके हैं, लेकिन आज तक कार्यवाही शून्य है। आरोपी फर्जी पटे धारक, नगर परिषद में पूरा पैसा चल रहा है, अधिकारी कर्मचारी पैसा ले रहे हैं, इसलिए अवैध निर्माण भी आज तक बना हुआ है। रिहायशी आवासीय मकानों में फर्जी पट्टों पर दुकानें बनी हुई आज तक चल रही हैं, इससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है और हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है। 8 साल से आज मजबूर होकर मुझे मेरी फैमिली के साथ धरना देना पड़ रहा है। मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है, 8वां महीना लग रहा है। अगर कुछ हमारे को होता है तो उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार जिला कलेक्टर हनुमानगढ़, नगर परिषद आई कमिश्नर रहेंगे। हनुमानगढ़ के बच्चों में अब स्केटिंग को लेकर रुझान देखा जा रहा है। शिमला में हुई प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के बच्चों ने 16 मेडल हासिल किए। एसपी यादराम फासल ने बच्चों का स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एसपी यादराम फासल और एडिशनल एसपी निर्मला बिश्नोई ने छोटे छोटे स्केटर्स का स्वागत किया। दरअसल ये बच्चे शिमला में हुई प्रतियोगिता में सफलता का परचम लहरा कर आए हैं। कोच संजय सूर्यवंशी, बीबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के डायरेक्टर तरुण विजय, निजी स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के तहसील अध्यक्ष विजय सिंह चौहान आदि भी मौके पर मौजूद थे। 300 मीटर में 500 मीटर में अपना उम्दा प्रदर्शन करते हुए 16 मेडल हनुमानगढ़ जिले को प्रदान किए। पूरे राजस्थान की जो स्केटिंग की जो टीम थी उसने तृतीय स्थान इस चैंपियनशिप में प्राप्त किया और सभी विजेता खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप जो कि नेपाल में जुलाई माह में प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी उसमें भाग लेंगे। मैंने हिमाचल प्रदेश में रोलर स्केट्स में पार्टिसिपेट। कौन सा रैंक आया आपको? फर्स्ट। तो कैसा लगा, आपके टीचर ने कैसा आपको सिखाया? सोना मेडल्स जीत गए हैं, इंटरनेशनल खेलने जाएंगे नेपाल में, वहाँ पे भी ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। शिमला के अंदर 300 मीटर रेस के अंदर मेरा गोल्ड मेडल और 500 वाले के अंदर सिल्वर मेडल, आगे नेपाल के अंदर जाना है, कोशिश तो यही है दोनों के अंदर गोल्ड मेडल लाने के लिए। खेलने के लिए गया था और मैंने 300 मीटर वाली रेस में गोल्ड, दोनों में सिल्वर जीता है। लॉयंस क्लब भटनेर के प्रतिनिधियों ने पर्यावरण दिवस पर सदर थाना में वृक्ष मित्र क्लब के सदस्यों सहित पौधे लगाए। इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने भी सहयोग किया और साफ संभाल का संकल्प लिया। सदर थाना परिसर में पौधे लगाने पहुंचे लॉयंस क्लब और वृक्ष मित्र क्लब के प्रतिनिधि। पुलिस कर्मियों ने भी पूरा सहयोग किया। क्लब के प्रतिनिधियों ने कहा कि पौधे लगाना समय की मांग है। जिस तरह गर्मी बढ़ रही है इससे साफ लग रहा है प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। भटनेर ने मिलकर आज सदर पुलिस थाना में पेड़ पौधे लगाए हैं। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी को पता है पर्यावरण का अर्थ क्या है। मेरे मायने में ये है कि पर्यावरण में सबसे पहले हमारे लिए पेड़ पौधे ही हैं, तो हम जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारा आधार हैं, आगे इन्हीं से हमारा जीवन है, तो हम जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे उसी से हमारा जीवन आगे चल सकता है। आजकल हम क्या देखते हैं कि लोगों के व्यस्त जीवन में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वह पेड़ पौधे लगा पाएँ, और इसका परिणाम आप देख रहे हैं। आज 2-3 दिन से तापमान हमारे जो वातावरण का है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका और भी भयानक रूप ये वातावरण ले सकता है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएँ। पर्यावरण दिवस पर ये नया एक कार्य शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और हम अपने शहर को उसकी वृक्ष की छाया देकर सभी को पर्यावरण के लिए यह कहना चाहते हैं कि सभी वृक्ष लगाएं और हमारा शहर सुंदर हो और प्रदूषण से मुक्त हो। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर टाउन थाना में पौधारोपण किया गया। पुलिस कर्मियों ने पर्यावरण को हरा भरा करने के उद्देश्य से पौधारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण में पुलिस कर्मियों ने भी अपना सहयोग शुरू कर दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर टाउन थाना में पौधारोपण किया गया। टाउन थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों ने उत्साह के साथ पौधारोपण करती हुई पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। आवश्यकता पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए सभी को इसकी मतलब आवश्यकता नहीं, ये तो ड्यूटी है सभी की कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करे। और सभी को हमने आपस में विचार विमर्श किया है कि सभी अपने घरों में अपने गांव में जाकर और पर्यावरण के बारे में सबको निर्देशित करेंगे या सीख देंगे, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा आजकल की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इसी उद्देश्य से यहाँ पर्यावरण को बचाने के लिए, वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए
वृक्षारोपण किया गया है। पर्यावरण दिवस है, इसके ऊपर थाना हनुमानगढ़ टाउन में SHO साहब के निर्देशन में वृक्षारोपण किया गया है, पौधे लगाए गए हैं। आजकल जो है पर्यावरण प्रदूषण और जो तापमान बढ़ रहा है, इसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाने की ज़रूरत है और इसी की पहल हमने हमारे स्तर पर की है और पौधे लगाए हैं और ये मैसेज हम आगे भी दे रहे हैं। इसमें मेरा तो यही विचार है कि आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ती जा रही है, तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें आज के दिन से ही ये शुरुआत कर देनी चाहिए कि जितने भी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे उतने ही हमारे बच्चों को प्राणवायु मिल सकेगी। और अगर हमारे बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य देना चाह रहे हैं हम, तो निश्चित रूप से हमें हमारे भारत को स्वच्छ भारत के साथ साथ हरा भरा भारत भी बनाना होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर राजकीय NMPC कॉलेज में स्टाफ लगाने की मांग की है। नगर मंत्री दीपक कुकड़ के मुताबिक करीब 4000 से अधिक विद्यार्थियों के बावजूद पढ़ाने के लिए समुचित व्याख्याता नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हनुमानगढ़ के प्रतिनिधियों ने राजकीय NMPC कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी पर चिंता जताई है। इसको लेकर परिषद ने कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भिजवाया है। ज्ञापन के मुताबिक जिले का सबसे बड़ा कॉलेज होने के कारण यहाँ पर करीब 4000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन विद्यार्थियों के अनुपात में व्याख्याताओं की कमी खलती है। कमल शर्मा, प्लविंद्र और दीपक चौधरी आदि ने कहा कि अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। लेक्चरर की कमी है, जो जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है राजकीय NMPG कॉलेज, उसके अंदर 24 लेक्चरर व PTI वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की व लाइब्रेरियन की कमी के कारण आज ज्ञापन दिया गया, जिसके अंदर अगर जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई न की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नई कुंजा से कल्याण भूमि के पास राजकीय प्राथमिक विद्यालय की चार दीवारी ऊंची करने और सोलिंग के लिए सरकार ने करीब 5 लाख रुपए की मंजूरी दी है। जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया, भाजपा नेता अमित साहू और उप सभापति नगीना बाई जब आधारशिला रखने पहुंचे तो नागरिकों ने पेयजल संकट से उन्हें अवगत करवाए। वार्ड नंबर 2 और 3 के लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। अपनी समस्या पार्षदों तक रखने के बावजूद हल नहीं होने से उनमें गुस्सा है। जब भाजपा नेता अमित साहू वार्ड में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और पानी की समस्या से अवगत करवाया। नागरिकों के रोष को देखते हुए अमित साहू भी झुंझला उठे। उन्होंने पिछली सरकार पर दोषारोपण करते हुए कहा कि जब लगातार 10 साल दूसरी पार्टी के जनप्रतिनिधि जीतते रहे तो समस्या तो उनके टाइम की है, लेकिन लोगों का कहना है कि यह जवाब संतोषजनक नहीं। नई कुंजा में बाईपास पर प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, उसमें 5 लाख के लागत से इसकी स्कूल की चार दीवारी और रोड का शिलान्यास किया गया है, जिसमें भाई अमित साहू जी और चेयरमैन वाइस चेयरमैन नगीना भाई जी, दीन प्रेम जी और वार्ड के सभी गणमान्य नागरिक, बड़े बुजुर्ग और माताएं बहने यहाँ पे इकट्ठे हुए और उसका विधिवत शिलान्यास किया गया है। पानी की समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, अभी तक की इसका कोई हल नहीं हुआ है, लेकिन आज अमित जी ने ये बात बताई है कि 300 करोड़ रुपए का बजट पास हो चुका है, अभी उसके टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर जारी होने बाकी है और उसके वर्क ऑर्डर होते ही यहाँ पे जो पाइपलाइन है सारी की सारी चेंज कर दी जाएगी और पूरे शहर में की जाएगी, वार्ड में नहीं। और यहाँ पे जो वाटर वर्क्स है उसके पानी का लेवल नीचे जा चुका है, तो उसको भी उन्होंने बोला कि इसके कुएं को गहरा करके और उसको पानी है जो घरों में नहीं पहुँच रहा वो भी विधिवत रूप से मोटर बड़ी लगा के उसमें पानी को घरों में पहुँच सके, उसको कुएं को भी गहरा किया जाएगा। एक पैसा की तनख्वाह बतानी चाहिए, राशन कार्ड का कुछ भी नहीं होया, 5 साल हो गए घर पे, गांव में 3 नंबर में 4 नंबर में 5 नंबर में सारे पानी गंदा आ रहा है, छोरे वाला बिल्कुल सारे आदमी बीमार हो रहे हैं। पानी सानू मिठा चाहिए, पानी मिठा मिलूगा ता जाके इन्हों का कोई हल होगा। ते जनता दी बेरोजगारी इतने बहुत ज्यादा है, सारे गरीब ने, किसी नु काम नहीं, कोई धंधा नहीं, नहर का मिलना चाहिए, नहर का पानी साफ करके जनता नु देन। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित रोडवीसा आगार के पास पेड़ गिरने से एक मकान की दीवार में दरार आ गई, इसे नागरिकों में रोष फैल गया। उन्होंने मुआवजे की मांग की और अधिकारियों को हरी हरी सुनाई।
पीपल गिर गया बड़ा सर का और मकान के अंदर तेड़ आई है और अधिकारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। पहले भी कितनी बार यहाँ डिपो के अंदर चोरी हुई थी, मैंने बहुत आधी रात को इनका चेतावनी दी थी मैंने, लेकिन इन्होंने कोई चेतावनी मेरी कोई सुनाई नहीं करी। आज मेरा घर का नुकसान हो गया, मेरे घर के अंदर दीवार के ऊपर हमारे पड़ोसी आए, हमारे मेरे भाभी आई हुई थी, चौकीदार ऑफिसर पिछली सर्दी के अंदर भी मैं आई, मैंने कहा यहाँ से आपका लोहा लकड़ चोरी हो रहा है, ऊपर से हमारे को इन्होंने कहा था तुम लोग चोरी करवाते हो, ऊपर हमारे को दोष दी, लेकिन ये डिपो वाले हमारी कोई सुनाई नहीं करते हैं, और अगर हमारी कोई सुनाई नहीं करते तो हम धरना धर के बैठते हैं। तेड़ा उसका पेड़ गिर गया, उसके मेरा भाई जो मरीज है उसको उसके सारा घर में तेड़ आ गया, और उसके भी सारा फाट गया घर के अंदर से सारा ही। क्या गिरा, क्या गिरा, क्या पेड़ गिरा, पेड़ सपेटा गिर गया, बड़े वाला सपेटा गिर गया, डिपो वाला सपेटा। हमें दो तीन बार उनसे कहा था हम पेड़ कटवा दे, हमारा घर का नुकसान हो रहा है, उन्होंने हमारी नहीं सुनाई करी। ये जनता बहुत दुखी हो रही है, तीन चार बार बोल गए इनसे ये पेड़ कटा दो, पेड़ नहीं कटा रहे हैं, ये पेड़ तीन चार पेड़ लग रहे हैं हमारी दीवारों के साथ, पांच सात घर है, ये चारों पांच सातों घरों का नुकसान है, ये हमारी हाथ जोड़कर बनती है सुनाई करो, नहीं सुनाई करोगे तो हम ऊपर चले जाएंगे। फाटकपुर शाला में नगर लक्ष्मी नारायण महिला मंडल की ओर से गायों की सेवा कूलर भेंट किया गया। इस अवसर पर गायों की सेवा करते हुए गायों के लिए सवामणि की गई। आपको बता दें कि महिला मंडली समय समय पर जन सहयोग से गौशाला में सहयोग करती आई है। लक्ष्मी नारायण महिला मंडली की ओर से गौशाला में कूलर भेंट किया गया। महिला मंडली द्वारा गायों के इलाज के लिए समय समय पर सहयोग राशि भेंट की जाती है। इस अवसर पर महिला मंडली द्वारा गायों की सेवा की गई। 5 साल हो गए इस महिला मंडल को एकत्रित करते हुए, समाज सेवा है, कोई शुल्क नहीं, कोई अपनी मर्जी से ही जितना जो दान दिल खोल के देते हैं और हर भंडारे में सहयोग करते हैं, कोई किसी को पाबंदी नहीं कितना दे कितना नहीं, हम अपनी मर्जी से एक रुपए देने का योगदान है और हजारों रुपए का देने का योगदान की तरफ से। हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर में हम सब इकट्ठे होते हैं और 11 समावस पे हम गांवों की सवामणि करते हैं। ये सारी राशि हम अपने इकट्ठे खुद से इकट्ठे करके और ये सेवा में लगाते हैं। टाइम टाइम पे हम भंडारे भी करते रहते हैं मंदिर में बाहर, गरीबों के लिए सहायता के लिए हम राशि भेजते रहते हैं। इलाज चलता है इसके लिए लक्ष्मी नारायण महिला मंडल द्वारा एक बड़ा कूलर जिसकी कीमत लगभग 35-40 हज़ार रुपये है की राशि आज भेंट की गई। महिला मंडल द्वारा इस प्रकार का सहयोग पहले ही मिलता है। महिला मंडल द्वारा एक खेल पानी के लिए बनाई गई व और भी मासिक सहयोग महिला मंडल द्वारा दिया जाता है। कांगोहला में क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। युवा क्रिकेट क्लब की ओर से युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता करवाई गई। युवा क्रिकेट क्लब की ओर से गांव कोहला में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाजपा प्रवक्ता जसप्रीत सिंह, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, तरुण विजय ने खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर अतिथि ने युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत दी। उद्देश्य समाज के युवाओं को नशे की लत से बचाना तथा गांव के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड से जोड़े रखना था। यह प्रोग्राम लगभग 7 से 8 दिन तक चलेगा। उच्च सिंधी पंचायत की ओर से सिंधी बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के तहत सिंधी समाज के बच्चों को सिंधियत के बारे में जानकारी देते हुए प्रयोजनों से संबंधित जानकारी दी जा रही है।
इसके अलावा सिंधी भाषा को अपनाने और सिंधी बोलने को लेकर प्रेरित किया जा रहा है। बच्चों के लिए योग, डांस आदि की क्लासें भी लगाई जा रही हैं। कहानियाँ और हमारे शहीदों के बारे में जाना। मतलब कि कविताएँ सिखाई, डांस सिखाया और मुझे मैं 5 दिनों से आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर डांस, कविताएँ और हमारे जो कृष्ण देवा झूलेलाल उनके बारे में और संत कंवर राम हेमू कलानी के बारे में बताया गया है। हमें यहाँ कैंप ख़त्म होने के बाद हमें इंजॉय भी बहुत करने को मिला। एक तो नेजला एकादशी और दूसरी तरफ पर्यावरण दिवस, लिहाजा कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों ने बाकी सदस्यों के साथ पौधारोपण किया और छवि लगाई। इसे राहगीरों को न सिर्फ ठंडा और मीठा जल पिलाया गया बल्कि मदिरे का प्रसाद भी वितरित किया गया। इसी तरह टाउन में जगह जगह ठंडे पानी की छबीले लगाई गयी। स्वयं सेवी शिक्षण संघ की ओर से गर्मी को देखते हुए आइसक्रीम का वितरण किया गया। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के निर्देशानुसार पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस को मुख्य रखते हुए आज हमने पौधारोपण किया और एकादशी होने के कारण हमने एक सेवा का कार्य जो आज शुरू किया है। इसमें सभी को मीठा जल पिलाया जाएगा और मतीरे का प्रसाद के रूप में हमने सेवा के रूप में वितरित किया और छाछ लोगों को पिलाई जा रही है ताकि गर्मी से कुछ राहत मिले। और आज के इस अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, हम परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि गर्मी का प्रकोप थोड़ा कम हो और जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले, फसलें अच्छी हो। और भगवान से दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए तो और ज़्यादा मालिक की कृपा हो जाए जिससे किसान खुशहाल हो जाए, इलाके में खुशहाली आ जाए। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके तहत देखें अपने ये पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, बरसात नहीं हो रही है, ये पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उसी के तहत काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यावरण प्रकोष्ठ ने पूरे राजस्थान के अंदर ये पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी के तहत आज हनुमानगढ़ में लगाए गए, जहाँ पर अपने प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव पर्यावरण प्रकोष्ठ नवदीप सिंह जी राणा, रेशम सिंह जी, गुरदीप जी चहल और हमारे पर्यावरण मुकेश जी पर्यावरण प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने आज पौधारोपण किया। युवा जल सेवा समिति के इस प्रांगण में आज हम प्रतिवर्ष इस 11 से एक दिन पहले और एक दिन या बाद में इंद्र भगवान को खुश करने के लिए हम प्रतिवर्ष ये छबीली लगाते हैं। यहाँ आइसक्रीम की स्टॉल लगाई गई है, गर्मी बहुत ज्यादा है। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।